गाइस आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर थाइसनोरा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर थाइसनोरा के बारे में। ऑर्डर थाइसनोरा है, ये ए सब क्लास एप्टेरिगोट्स से बिलोंग करता है। ए सब क्लास एप्टेरिगोट्स में भी चार ऑर्डर आते हैं। फर्स्ट होता है थाइसनोरा, देन डायप्टोरा, प्रोट्यूरा एंड कोलम्बोला। ठीक है, थाइसनोरा के एग्जाम्पल है जो वो है सिल्वर फिश। ये डायग्राम है सिल्वर फिश का। इसकी जो बॉडी रहती है वो स्पिंडल शेप की होती है, डोर्सल एल्टरी फ्लैटेड होती है, ये सिर्राए हैं, कॉडल फिलामेंट भी होता है सिलर फिश में। इस डायग्राम में नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम इसके पढ़ते हैं डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फर्स्ट है दे आर एडेप्टेड फॉर कंसील्ड लाइफ। जो सिल्वर फिश वगैरह हैं या ऑर्डर थाइसनोरा के जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनमें क्या होता है, कंसील्ड लाइफ होती है उनकी। मीन्स वो छिपे हुए होते हैं, अपन को इतना इजीली नज़र नहीं आते हैं कहीं भी कि अपन को ऐसे ही घूम रहे हैं कहीं भी तो और अपन को सिल्वरफिश नज़र आ गई। ये हमेशा या पत्थर के नीचे, सॉयल के नीचे ऐसे छिपे हुए मिलेंगे। सेकेंड है बॉडी इज इन स्पिंडल शेप। ये हो गया, बॉडी क्या है इनकी, स्पिंडल शेप की रहती है और डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड रहती है। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मीन्स ये इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हर जगह मिल जाएंगे, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रहता है इनका। फोर्थ है विंगलेस बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स गिविंग मेटालिक सिल्वर वाइट और ग्रे कलर। जो ये होते हैं थाइसनोरा, ऑर्डर थाइसनोरा है, आता ही सब क्लास एप्टेरिगोट्स के अंडर में है। एप्टेरिगोट्स का मतलब ही होता है विंगलेस इंसेक्ट। इसलिए जो थाइसनोरा होगा, मतलब जो थाइसनोरा के अंडर में इंसेक्ट होंगे लाइक सिल्वर फिश, वो क्या होंगे, विंगलेस बॉडी होगी उनकी और कवर्ड रहेगी स्केल्स से। जैसे अभी अपन ने स्टार्टिंग में डायग्राम में देखा है जो सिल्वर फिश है उसमें क्या है, मेटालिक और सिल्वर कलर के ग्रे सिल्वर और ग्रे कलर के अपन को क्या दिख रहे हैं, स्केल्स दिख रहे हैं, वाइट वाइट बॉडी दिख रही है उसकी। ठीक है, फिर हेड इज प्रोगनाथस। प्रोगनाथस का मतलब होता है जो हेड होगा उनका वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, डाउनवर्ड नहीं रहेगा। मीन्स प्रो मीन्स होता है सामने, हेड जस्ट सामने रहेगा, फ्रंट में रहेगा, नीचे झुका हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, और जो प्रोगनाथस रहते हैं ये हर्बीवोरस नहीं रहते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस होते हैं हाइपोगनेथस, हाइपोगनेथस। उसके बाद आता है सिक्स, लॉन्ग एंटीने फुली फॉर्म टाइप एंड हैव 37 इन। जो सिल्वर फिश वगैरह हैं या जो ऑर्डर थाइसनोरा के इंसेक्ट्स हैं उनमें क्या रहते हैं, एंटीना बहुत लॉन्ग रहते हैं। और किस टाइप के रहते हैं, फुली फॉर्म टाइप के रहते हैं। एंटीना बहुत टाइप के होते हैं, हैं ठीक है। उनमें कौन सा टाइप रहता है इनका, फुली फॉर्म टाइप के रहते हैं। मीन्स सेम सेम सेगमेंट प्रेजेंट रहता है इनके एंटीना में। क्लब शेप के भी होते हैं जिसमें एक ठो, मतलब ऐसे टाइप के एंटीने होते हैं क्लब शेप का, इधर एक ठो ऐसे ये इकट्ठा स्पिन राउंड शेप का रहेगा, बाकी एक सेगमेंटेशन रहेगा। लेकिन फिलीफॉर्म में क्या रहते हैं, सेम सेगमेंट रहता है। ठीक है, एंड है अब लॉन्ग है तो कितने 30 सेगमेंट्स करीब इनमें सेगमेंट्स रहेंगे लॉन्ग एंटीना फिलीफॉर्म टाइप। उसके बाद आता है लार्ज और रिड्यूस्ड कंपाउंड आइज। थाइसनोरा है, एप्टेरिगोट्स हैं और ये क्या है, प्रिमिटिव टाइप्स के इंसेक्ट हैं। तो ये क्या रहेंगी, जो कंपाउंड आय रहेंगी वो क्या रहेंगी, रिड्यूस्ड रहेंगी, मीन्स छोटी छोटी रहेंगी। उनमें जो इनका मोज़ेक इमेज है या जो वो ज़्यादा क्लियर नहीं रहेगा, आईज में छोटा रहेंगी। बाद में जो एडवांस्ड एडवांस्ड ऑर्डर आएंगे उनमें बहुत काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं। उनमें कंपाउंड लाइक हनी भी हो गया, उनमें जो कंपाउंड आईज वगैरह वो बहुत लार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इनमें क्या रहेगा, रिड्यूस रहेगा। एट जो सिल्वरफिश वगैरह इनमें कैसे रहते हैं, बाइटिंग एंड चीविंग टाइप के माउथ पार्ट रहते हैं। मीन्स ये कट करते हैं उसके बाद फूड को चीव करते हैं। नाइन, बिसाइड्स अब ये माउथ के टाइप का माउथ पार्ट्स हो गए, उनमें क्या रहते हैं, इनके माउथ पार्ट्स भी मतलब अलग अलग रहते हैं। कोई बाइटिंग चीविंग रहता है, पार्सिंग एंड शकिंग रहता है। तो उनके जो माउथ पार्ट्स के, माउथ के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो जो बाइटिंग एंड चीविंग टाइप में है उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, लेब्रम रहेगा, मैंडिबल्स रहेगा, मैंडिबल्स रहेगा, मैक्सिला रहेगा, ये दो बार हो गया, एक ही बार है, और मैक्सिला हो गया एंड लेबियम, हाइपोफेरिंग एंड अ पेयर ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, एंड बॉडी डिवाइडेड इंटू हेड, थोरेक्स एंड एबडोमेन। जो इंसेक्ट की बॉडी है वो डिवाइड ही रहती है हेड, थोरेक्स एंड एबडोमेन में। तो जो थोरेक्स है उसमें 3 सेगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जो होते हैं प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स।
एंड एब्डोमेन, अगर पूरी बॉडी पे डिपेंड करती है कितना होता है। थोरेक्स से 3 पेयर ऑफ लेग्स भी अटैच रहते हैं विद अ पेयर ऑफ क्लॉज एंड एब्डोमेन। एंड एब्डोमेन क्या रहते हैं, सेगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, 11 सेगमेंट्स होते हैं। किसमें, सिल्वर फिश में 11 टर्मिनल और 11 सेगमेंट बी आर अ पेयर ऑफ लॉन्ग सर्सरी एंड लॉन्ग मीडियन कॉडल फिलामेंट। जो लास्ट वाला सेगमेंट टर्मिनल में जो लास्ट वाला सेगमेंट है और 11 सेगमेंट सिल्वर फिश का, वो क्या किए रहेगा, बी आर अ पेयर ऑफ लॉन्ग सर्सरी। लॉन्ग सर्सरी होती है मीन्स दो ठो सिर्राए निकले रहते हैं, किससे है, उनकी लास्ट वाले सेगमेंट से, इनफैक्ट जिसको जो प्रोटेक्ट करने के मतलब किसी भी एनिमी से उनको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। एंड लॉन्ग मीडियन कॉडल फिलामेंट, और उन सर्सरी के बीच ऐसे सर्सरी होंगे उनके बीच में से एक कॉडल फिलामेंट निकला हुआ रहेगा। उसके बाद आता है 12th, 8th and 9th एब्डोमिनल सेगमेंट्स वियर ओवोपल्स। जो एब्डोमेन का 8th और 9th सेगमेंट है वो क्या बियर किया होता है, ओविपोजिटर। ओविपोजिटर वो होता है जो स्पर्म को कलेक्ट, स्पर्म को स्टोर करता है, फीमेल बॉडी पार्ट है ओविपोजिटर, ठीक है। और 8th पार्ट में रहेगा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, 9th में रहेगा मेल जेनिटेलिया। सेक्स सेपरेट भी हो सकता है। 13 गट डिवाइडेड इंटू फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है इनका एडवांस नहीं रहता है, और तो जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे डिवाइड रहता है, इनका गट फोर गट में डिवाइड रहता है, मिड गट में डिवाइड रहता है एंड हाइंड गट में डिवाइड रहता है। जो फोर गट रहता है वो डिजायर्ड बियर किया हुआ रहता है, जो किसी भी जैसे उन्होंने किसी भी चीज़ को या किसी भी फूड को, प्रे को, इंसेक्ट को, किसी को बाइट किया तो फर्स्टली वो क्या करेंगे, चीव करेंगे, ठीक है। तो गिजार्ड में ग्राइंड हो जाएगा उनका, पिस जाएंगे वो। मिडगट में फिर क्या रहते हैं, एंटिसिका रहते हैं जो क्या करेंगे, एंड सलाइवरी ग्रैंड्स रहते हैं जो उस फूड को, गिजार्ड वाले फूड को फिर सलाइवा से मिक्स करेंगी या एंजाइम्स वगैरह देंगी, एंड हैंडगट में जाके वो हैंड रेक्टम वगैरह रहता है तो रिलीज हो जाएगा एनस वगैरह से। 14 मैनी एंड वेल डेवलप्ड मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स ये क्या है, एक एक्सक्रेटरी सिस्टम है। एक्सक्रेटरी इनका काम ही है मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स का एक्सक्रेशन में हेल्प करना, क्योंकि इंसेक्ट्स में एक्सक्रेशन के लिए मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। मैनी एंड वेल डेवलप्ड मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। जो इनका पोजिशन भी रहता है मिडगट एंड हाइंडगट के बीच में इनका पोजिशन रहता है इंसेक्ट्स को। 15 नर्वस सिस्टम इज टिपिकल विथ 3 थोरैक्स एंड 8 एब्डोमिनल गैंग्लिया। जो इनका नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही टिपिकल रहता है। जब इनका नर्वस सिस्टम भी अपन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कितना टिपिकल रहता है, अलग अलग गैंग्लियन, बहुत गैंग्लियन रहते हैं जो अटैच रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज टिपिकल विथ 3 थोरैक्स एंड 8 एब्डोमिनल गैंग्लिया, जिसमें 3 थोरैक्स में रहते हैं एंड 8 एब्डोमिनल गैंग्लिया प्रेजेंट रहते हैं। 16 ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज ट्यूबुलर। जो इनका ब्लड वास्कुलर सिस्टम है वो क्या होता है, ट्यूबुलर होता है एंड 8 सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहता है, और हार्ट में क्या रहता है, ऑस्टियो प्रेजेंट रहता है। 17 अ पेयर ऑफ पेनोस्टिक ओवरी। ओवरी भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, पेनोस्टिक, टेलोस्टिक, ठीक है। तो पेनोस्टिक में सिंपल ओवरी प्रेजेंट रहती है, टेस्टिस विथ, और टेस्टिस में क्या होते हैं, मल्टी फॉलिकुलर लोब होते हैं। टेस्टिस हेल्प करते हैं स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये मेल पार्ट होता है, ठीक है। मल्टी फॉलिकुलर लोब्स मतलब मीन्स खूब सारे फॉलिकल प्रेजेंट रहते हैं। 18th है मोल्टिंग ऑफ, मीन्स डेवलपमेंट इनमें प्रेजेंट रहता है। मोल्टिंग मीन्स जैसे लार्वा बनना, फिर इंस्टार बनना, नीम्फ बनना, फिर देन एडल्ट बनना, इसको बोलते हैं मोल्टिंग। थैंक यू।